गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर लेसन नंबर 5 फ्रॉम योर बिहाई बुक। द नेम ऑफ द लेसन इज द स्नेक एंड द मिरर। आई हैव टॉट यू टू पार्ट्स ऑफ दिस लेसन। टुडे आई विल टीच यू योर थर्ड पार्ट, so please listen carefully. If you have not revised all the previous videos, you should also revise them, and you should also do your work in your copies. You should also learn the questions what I have taught you. If there is any doubt, then you should can comment on the comment box. Let us start this video. Before starting, if there is any new student, then that student should subscribe the channel. The benefit of subscribing, he can see all the videos what I have uploaded already. So please subscribe, this is very beneficial for you. All the related videos related to your studies, you can check them and also prepare your exam. So you should also subscribe, and also you should also press the like and dislike button. If you liked the video, then you should also press like button, and you have not liked the video, then you should also press dislike button. In the right hand side, there is a bell icon. You should press bell icon and so all, because when you press the all option, then the comment of the related videos will reach to you. And after that, you should also come to the comment box. Comment box, you should have any doubts. If you have any doubts related to my videos, then you should also press the comment box and write your comment also. तो प्यारे बच्चों, ये जो कुछ कहा गया है, अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ। तो जो बच्चे इस चैनल से नए जुड़े हैं, तो उन सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो सब्सक्राइब के माध्यम से भी जितनी भी वीडियोज अभी तक डाली गई हैं आपकी 9th क्लास की या जिस भी क्लास की, तो आप सभी वीडियोज को देख सकते हो। वीडियोज अच्छी लगने पर आपको लाइक भी करना होता है, क्योंकि हमें इसे पता चलता है भाई कितने बच्चों को ये अच्छी लगी है। अगर कोई अच्छी नहीं लगी जिस बच्चे को, तो डिसलाइक भी कर सकता है। तो लेकिन जो बच्चे डिसलाइक करते हैं, उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए भाई उन्होंने डिसलाइक क्यों किया, क्या उनको अच्छा नहीं लगा। और जो बच्चे लाइक करते हैं, उन्हें भी कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा। तो राइट हैंड की तरफ जो बेल का आइकन है, उसको प्रेस करना चाहिए। जो ऑल का ऑप्शन है, तो उस पर आपने क्लिक करना है। ऑल के ऑप्शन पे भी क्या होता है, जब वीडियो अपलोड की जाती है, तो वो तुरंत आपके पास उसका नोटिस आ जाता है भी आज ये वीडियो बनी है। तो इसलिए उसको, जो बेल का आइकन है, उसको भी आपने प्रेस कर लेना चाहिए ऑल के ऑप्शन पे। तो ये जो लेसन है अभी, लेसन नंबर 5, इसके जो अभी तक दो पार्ट हम कर चुके थे, तो हालांकि जो इसके पहरे हैं, जिसमें पैराग्राफ जो दिए हुए हैं, तो वे पैराग्राफ जो 6 हो चुके हैं। आज जो इसका पहरा नंबर जो 7 है, तो उससे हम स्टार्ट करेंगे। यानी आज इसका जो थर्ड पार्ट है इस लेसन का, वो हम करने जा रहे हैं। और इसके भी जो आपके एनसीईआरटी की बुक है, तो उसके जो 6 जो पैरा हैं, वे हम पढ़ चुके हैं। आज 7th पैरा को करते हैं। आई डिड नॉट जम्प, आई डिड नॉट जम्प, यानी मैं नहीं उछला। आई डिड नॉट जम्प, जम्प का मतलब उछलना कूदना। यानी कौन कह रहा है ये बातें, ये बातें डॉक्टर कह रहा है। आई डिड नॉट जम्प, आई डिड नॉट ट्रेम्बल, यानी मैंने तो उछला और नहीं कांपा। आई डिड नॉट ट्रेम्बल। आई डिड नॉट क्राई आउट, और ने मैं चिल्लाया, डॉक्टर चिल्लाया भी नहीं। देयर वॉज नो टाइम, देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग्स, यानी ऐसी बातें करने का मेरे पास समय ही नहीं था।
ये जो इस तरह की जो बातें थी, तो ऐसी बातें करने मेरे पास कोई समय नहीं था। दास नेक जो सांप था ना, स्लिथर्ड अलोंग माय शोल्डर, वो मेरे कंधे से फिसल करके, स्लिथर्ड का मतलब क्या होता है, फिसलना। तो जो सांप है वो मेरे कंधे से फिसल करके कहां पर पहुंच गया भाई, कंधे, शोल्डर मीन्स कंधा होता है, तो उस कंधे से फिसल करके कहां आ गया है, एनक्वायर्ड अराउंड माय लेफ्ट लेफ्ट आर्म, वो मेरे जो बायां हाथ था ना, तो वहां पर पहुंच गया, अबो द एल्बो, यानी कोहनी से ऊपर और कंधे से नीचे, यानी कोहनी से जो ऊपर का हिस्सा होता है और कंधे से जो नीचे का हिस्सा होता है, यानी वो बीच में वहां पर पहुंच गया सांप। द हुड वाज स्प्रेड, तो उस सांप ने जो उसका हुड था, जो उसका फन था, हुड किसको कहते हैं, फन को कहते हैं, तो सांप ने अपने फन को फैला लिया। आउट एंड इट्स हेड, और जो उसका सांप का जो सिर था ना, एंड इट्स हेड, जो सांप का जो सिर था, वाज हार्डली 3 or 4 inches, वो मेरे से मुश्किल से कितनी दूर था भाई, 3 or 4 inches, यानी सांप का जो हेड था, जो सांप का सिर था, हार्डली मुश्किल से 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस, वो मेरे चेहरे से 3 या 4 inch की दूरी पर था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से, ये कहना सही नहीं होगा, मियरली डेट आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ, यानी मैं वहां पर अपनी सांसों को रोक करके बैठा हुआ था। डॉक्टर क्या कह रहा है भाई, इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से, यानी ये कहना सही नहीं होगा, मियरली केवल, मियरली का मतलब क्या होता है, मियरली का मीनिंग होता है केवल, डेट आई सेट देयर, कि मैं वहां पर बैठा हुआ था होल्डिंग माई ब्रेथ, अपनी सांस को रोक करके। आई वॉज टर्न्ड टू स्टोन, यानी मैं पत्थर का बन गया था, आई वॉज टर्न्ड टू स्टोन, यानी मैं पत्थर में तब्दील हो गया था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन जो मेरा दिमाग था ना, वो अभी भी क्या था, वो बहुत ही अभी भी एक्टिव था, मेरा दिमाग अभी भी सक्रिय था। द डॉक्टर ओपनड इन टू, द डोर ओपनड इन टू डार्कनेस, जो घर का दरवाजा था वो अंधेरे की तरफ खुला हुआ था। द डोर ओपन, यानी दरवाजा खुला हुआ था, इन टू डार्कनेस, अंधेरे की तरफ। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, यानी कमरे के चारों तरफ क्या था, अंधेरा था। सराउंडेड का मतलब क्या होता है, चारों तरफ, सराउंडेड का मीनिंग क्या होता है, सराउंडेड का मतलब होता है चारों तरफ, यानी चारों कमरे के चारों तरफ अंधेरा था। इन द लाइट ऑफ द लैंप, इन द लाइट ऑफ द लैंप, लैंप के प्रकाश में, लैंप की लाइट में, आई सेट देयर, में वहां पर बैठा हुआ था। लाइक ए स्टोन इमेज, लाइक ए स्टोन इमेज, जैसे कोई पत्थर की तस्वीर हो, स्टोन इमेज यानी पत्थर की तस्वीर। इन द फ्लैश, लेकिन उस पत्थर की तस्वीर के अंदर क्या है, मांस भी है, फ्लैश का मतलब क्या होता है, मांस। आई फेल्ट देन, आई फेल्ट देन, तब मैंने महसूस किया, द ग्रेट पेशेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी जो भगवान है, भगवान की उपस्थिति को मैंने महसूस किया। प्रेशेंस को क्या कहते हैं, उपस्थिति, प्रेशेंस क्या होता है, उपस्थिति, क्रिएटर होता है निर्माण करने वाला, ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी संसार का जिसने निर्माण किया है उसकी उपस्थिति को मैंने महसूस किया। एंड दिस यूनिवर्स, और जिसने ये ब्रह्मांड बनाया है, यूनिवर्स किसको कहते हैं, ब्रह्मांड को, जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है, यानी भगवान की, भगवान ने इस सारे संसार को बनाया है, सारे ब्रह्मांड को बनाया है। फिर मेरे को भगवान की याद आई, तो यहाँ पर भगवान को याद कौन कर रहा है, जो डॉक्टर है वो भगवान को याद कर रहा है। गॉड वाज देयर, यानी भगवान अभी भी वहां पर मौजूद था। सपोज, मान लो, आई सेड समथिंग, भी मैंने कुछ कह दिया, एंड ही डिड नॉट लाइक इट, और भगवान को वह बात पसंद नहीं आई। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन, तो मैंने अपनी कल्पना में, आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन, मैंने क्या की, मैंने इस चीज की कल्पना की, आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन। टू राइट इन ब्राइट लेटर्स, यानी मैं अच्छे अच्छे लेटर्स लिखूंगा, यानी मैं अपने लेटर में अच्छी बात लिखूंगा। आउटसाइड माई लिटल हार्ट, यानी मेरे दिल के बाहर, द वर्ड्स, यानी मैंने अपने दिल के बाहर क्या शब्द लिखे भाई, ओ गॉड, हे भगवान, यानी उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, देयर वाज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, मेरे बाएं हाथ में कुछ दर्द महसूस हुआ। देयर वाज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, लेफ्ट आर्म, आर्म मीन्स कहते हैं बाजू को, तो मेरे बाएं हाथ में कुछ मेरे को दर्द महसूस हुआ। इट वॉज एज इफ ए थिक लीडन रोड, ऐसा लग रहा था जैसे कि मोटी सी, जैसे कि कोई मोटी सी जो शीशे की बनी हुई जो रोड है, नो नहीं, ए रोड मेड ऑफ मोल्टन फायर, नहीं ऐसा कह सकते कि पिंगली हुई आग की बनी हुई जो रोड है वो। वॉज स्लोली, धीरे धीरे,
बट पावरफुली, लेकिन बड़ी ही मजबूती से, क्रशिंग माई आर्म, वो मेरे हाथ को कुचल रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे आग से पिघली हुई कोई जो रोड वगैरह है वो मेरे बाजू को धीरे धीरे क्या कर रही हो, क्रश कर रही हो, दबा रही हो, कुचल रही हो। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, है तो मेरे जो आर्म थी, जो मेरी बाजू थी, तो उससे बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, उससे जो ताकत है वो कम होनी शुरू हो गई थी। ड्रेन का मतलब होता है सूख जाना वैसे, तो अब हाथ से जो ताकत है, स्ट्रेंथ का मतलब, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, तो हाथ से ताकत जो है वो धीरे धीरे कम हो रही थी। व्हाट कुड आई डू, भाई मैं क्या कर सकता था, डॉक्टर क्या कह रहा है भाई, व्हाट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था। तो ये जो भी पैरा जो है आठवां पैरा हो चुका अपना, अब जो पैरा नंबर 9 है उसको करते हैं। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट, एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट, स्लाइटेस्ट का मतलब होता है थोड़ा सा भी, मूवमेंट का मतलब होता है हिलना, यानी थोड़ा सा भी हिलना। द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, यानी अगर मैं थोड़ा सा भी हिल जाता ना तो सांप मेरे को डंक मार देता भाई। द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, स्ट्राइक मी का मतलब होता है स्ट्राइक मी, मेरे ऊपर प्रहार कर देना। डेथ लॉग्ड 4 inches अवे, जो मौत थी ना, जो मौत थी, जो मृत्यु थी, वो मेरे से सिर्फ कितनी दूर थी, 4 inch दूर थी, 4 inch अवे। सपोज, मान लो इस ट्रक भाई सांप ने प्रहार कर दिया, वट वॉज द मेडिसन आई हैड टू टेक, भाई मेरे को दवा कौन सी लेनी चाहिए, वट वॉज द मेडिसन, यानी कौन सी जो दवा है आई हैड टू टेक, जो मेरे को लेनी चाहिए। देर वर नो मेडिसन इन द रूम, भाई कमरे में तो दवाई ही नहीं थी, मेरे पास तो कोई दवाई ही नहीं थी। देर वर नो मेडिसन इन द रूम। आई वॉज बट ए पुअर, यानी जो मैं डॉक्टर तो था लेकिन मैंने अभी इतनी महारत हासिल नहीं की थी भी मेरे पास सारी दवाइयाँ उपलब्ध हों। आई वॉज बट ए पुअर फूलिश, यानी मूर्ख एंड स्टूपिड डॉक्टर, मैं डॉक्टर तो था लेकिन ज़्यादा बुद्धिमान नहीं था, अभी सारी दवाई मेरे पास नहीं थी। स्टूपिड कहते हैं भी मूर्ख को। आई फोरगेट माई डेंजर, मैं अपने दुख को भूल गया भी, मैं खतरे को भूल गया। आई फोरगेट माई डेंजर, यानी जो मेरे ऊपर खतरा मंडरा रहा था मैं उसको भूल गया। एंड स्माइल फीबली एट माई सेल्फ, और मैं अपने ऊपर मंद मंद मुस्कुराया। फीबली का मतलब होता भी कमजोर, स्माइल का मतलब होता मुस्कुराना, यानी मैं अपने ऊपर धीरे धीरे मुस्कुराया। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हुआ एज इफ, जैसे कि गॉड अप्रिशिएटेड डेट, यानी भगवान ने इस बात की तारीफ की हो भाई आप डॉक्टर हो, और डॉक्टर होने के बावजूद आपके पास ऐसी कोई दवा नहीं है, अभी मान लो सांप काट ले और उसका आप उपचार कर लो, ऐसी दवा आपके पास नहीं, अभी डॉक्टर तो हो तो आपके पास दवा तो होनी चाहिए ना, और उसको ऐसा लगा भाई मैं डॉक्टर होने के बावजूद भी मेरे पास ऐसी दवा नहीं है कि सांप काट ले और मैं उसका उपचार कर लूँ, तो इस बात को सोच करके वो मुस्कुराया। उसको ऐसा लगा, उसको ऐसा प्रतीत हुआ, सीम्ड का मतलब क्या होता है, प्रतीत होना। एज इफ, जैसे कि गॉड अप्रिशिएटेड डेट, भाई भगवान ने भी इस बात की तारीफ की हो, भाई डॉक्टर तो हो तो दवा तो होनी चाहिए ना, तो ऐसा लगता है भी भगवान ने इस बात की तारीफ की हो। द स्नेक टर्न इट्स हेड, तो सांप ने अपना सिर घुमाया भाई। द स्नेक टर्न इट्स हेड, इट लुक्ड इन टू द मिरर, सांप ने दर्पण की तरफ देखा। सांप ने दर्पण का मतलब जैसे आप जानते हो आईना होता है, तो सांप ने आईने की तरफ देखा। एंड सा इट्स रिफ्लेक्शन, और सांप को अपनी छवि दिखाई दी। एंड सा इट्स रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब अपनी छवि, तो सांप को अपनी छवि दिखाई दी। रिफ्लेक्शन का मीनिंग पता चल गया भाई, रिफ्लेक्शन का मतलब छवि। आई डू नॉट क्लेम डैट, भाई मैं ऐसा दावा नहीं करता। डैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक, यानी ये पहला सांप था। डैट हैड एवर लुक्ड इन टू ए मिरर, जिसने कभी दर्पण में देखा, यानी मेरे को नहीं पता भी, मैं इस बात का दावा नहीं करता भी, ये सबसे पहला सांप था जिसने दर्पण में देखा, मैं इस बात का दावा नहीं करता, मैं ये बात बिल्कुल मजबूती से नहीं रखता भाई, इससे पहले भी देखा हो किसी सांप ने तो मैं इस बात को नहीं कहता भाई। तो बट इट वॉज सर्टेन डैट, लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की थी, द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर, यानी जो सांप था ना वो दर्पण में देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, क्या ये अपनी सुंदरता की तारीफ कर रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, क्या ये जो सांप था ये अपनी सुंदरता की तारीफ कर रहा था। वॉज इट ट्राइंग, क्या ये कोशिश कर रहा था। वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, क्या ये सांप कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना चाहता था। इंपॉर्टेंट डिसीजन का मतलब होता है महत्वपूर्ण फैसला। अबाउट ग्रोइंग ए मुस्टास, क्या ये मूछे उगाना चाहता था। और यूजिंग आई शेडो,
क्या ये आंखों के लिए कोई काजल वगैरह यूज करना चाहता था और मस्कारा, मस्कारा क्या होता है अभी, काजल या जिसको हम कह सकते हैं अभी सिंदूर वगैरह भी कह सकते हैं, और वियरिंग ए वर्मिलियन स्पॉट या सिंदूर लगाना चाहता ऑन इट्स फोरहेड यानी अपने माथे पर, क्या ये अपने माथे पर मस्कारा भी बिंदी को कहते हैं, बिंदी लगाना, और वियरिंग ए वर्मिलियन स्पॉट, वर्मिलियन स्पॉट का मतलब होता है भी माथे पर जैसे भाई मस्तिष्क में जो सिर होता है वहाँ सिंदूर भरते हैं, वर्मिलियन स्पॉट का मतलब है सिंदूर भरना, क्या ये अपने माथे पर बिंदी लगाना चाहता हो या सिंदूर भरना चाहता हो ऑन इट्स फोरहेड अपने मस्तिष्क पर। आई डू नॉट नो एनीथिंग, भाई मैं कुछ नहीं जानता, आई डू नॉट नो एनीथिंग, ये जो अब पहरा जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो पहरा है अभी आपका 10th पहरा है तो जिसको हम पढ़ रहे हैं, आई डू नॉट नो एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं जानता फॉर सर्टेन, निश्चित तौर पर। व्हाट सेक्स वाज दिस स्नेक, भाई इस सांप का लिंग क्या था, यानी ये सांप जो है वो पुल्लिंग था या स्त्रीलिंग था, तो मैं इस बारे में नहीं जानता। वाज इट मेल, भाई ये पुरुष था और फीमेल या भी स्त्रीलिंग था, भी मैं इसको नहीं जानता भी पुल्लिंग था स्त्रीलिंग। आई विल नेवर नो, भी मैं कभी जान भी नहीं पाऊंगा, मैं कभी जान भी नहीं पाऊंगा, आई विल नेवर नो। फॉर द स्नेक अनवाउंड इट सेल्फ, यानी सांप ने क्या किया भाई, सांप ने अपने जो लपेटा लगा रखा था, जो क्वायल यानी जो कुंडली मार करके बैठा हुआ था, तो उसको सांप ने क्या कर लिया, अनवाउंड कर लिया भाई, यानी उस कुंडली को उसने खोल लिया, इट सेल्फ स्वयं ही, फ्रॉम माई आर्म, मेरे हाथ से, एंड स्लोली स्लिथर्ड, और धीरे धीरे फिसल गया, इन टू माई लैप, यानी मेरे सांप ये जो है मेरी गोद में पहुंच गया, एंड फ्रॉम देयर, वहां से इट क्रैप्ड इन टू द टेबल, और वहां से जो सांप था वो टेबल के ऊपर पहुंच गया, एंड मूव्ड टुवार्ड्स द मिरर, और वहां से कहाँ चला गया, दर्पण की तरफ चला गया, यानी जो मेज पर जो आईना रखा हुआ था वहां पर ये चला गया। परहैप्स शायद इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन, शायद ये अपने आप को देखना चाहता था, अपनी छवि को देखना चाहता था, एट ए क्लोजर क्वार्टर, यानी पास से, शायद ये पास में जा करके, आईने के पास में जा करके भी मैं कैसा दिखता हूँ तो ये अपने आप को देखना चाहता था। क्लोजर क्वार्टर का मतलब होता है बिल्कुल नज़दीक से, क्लोजर क्वार्टर का मतलब होता है नज़दीक से। आई वाज नो मियर इमेज कट इन ग्रेनाइट, अब मैं कोई पत्थर की बनी हुई इमेज नहीं था। आई वाज नो मियर इमेज कट इन ग्रेनाइट, यानी अब मैं ग्रेनाइट की बनी हुई कोई इमेज नहीं था, अब मैं संगमरमर की बनी हुई कोई तस्वीर नहीं था। आई वाज सडनली मैन ऑफ फ्लैश, और अब मैं फिर से वही, जैसे मैन ऑफ फ्लैश का मतलब होता है जिस आदमी के अंदर मांस वगैरह उपलब्ध हो या जिसके अंदर रक्त का संचार होता हो, यानी अब मैं फिर से भाई सजीव आदमी बन गया था। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ, अभी भी मैंने अपनी सांस को रोके हुए था, स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ यानी अभी भी अपने सांस को रोक करके, आई गोट अप, मैं उठ गया, आई गोट अप, मैं उठ गया, फ्रॉम द चेयर, कुर्सी से, आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर, मैं धीरे धीरे दरवाजे से बाहर निकला, इन टू द वरेंडा, और बरामदे में पहुंच गया। फ्रॉम देयर, वहां से, आई लिप्ट इन टू द यार्ड, वहां से मैंने आंगन में छलांग लगाई, यार्ड का मतलब क्या होता है आंगन, एंड रैन फॉर ऑल आई वाज वर्थ, और जितनी मेरे अंदर ताकत थी उतनी ताकत लगा करके मैं भागा। तो ये जो पार्ट है भाई, ये जो पार्ट है अभी, जितनी ताकत थी वो ताकत लगा करके भागे, पार्ट नंबर अपना हम 10 यानी जो पार्ट या जो पैरा है, पैरा नंबर 10 पढ़ रहे हैं। फी का मतलब था ओ, ईच ऑफ अस हीव्ड ए साई ऑफ रिलीफ, हम सभी ने भी चैन की सांस ली। ईच ऑफ अस, हम सभी ने हीव्ड ए साई ऑफ रिलीफ, चैन की सांस ली। समबडी आस्क्ड, और किसी ने पूछा, समबडी आस्क्ड, किसी ने क्या पूछा, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट, कि डॉक्टर साहब क्या जो आपकी पत्नी है वो बहुत ही मोटी है, तो किसी ने ऐसा प्रश्न किया। प्यारे बच्चों, ये जो हमारा जो पार्ट था, ये पार्ट जो है भाई इसका जो पैरा था, ये 10वां पैरा हमारा हो चुका है। एनसीईआरटी बुक का ये जो भाई पैरा नंबर 10 था, ये अपना हो चुका है। तो आशा करता हूँ ये जो पार्ट अभी तक, ये जो पैरे अभी तक पढ़े हैं, ये सभी आपको समझ में आए होंगे। ये जो पैरे हैं भाई, ये पैरे आपके 10 पैरे इसके हो चुके हैं, तो इसके 2 पहरे बचते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। फिर भी अगर ये वीडियो देखने के बाद कोई तुम्हें डाउट लग रहा है, कोई क्वेश्चन तुम्हारा बनता है, तो आप सभी बच्चे भाई वो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, तो आपको उसका आंसर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।